हाय गाइस, आज हमारा डिस्कशन रहेगा सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू, अगर आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर अगर आप किसी कंपनी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के लिए अपेयर करना चाहते हैं तब ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ये चेक करते हैं कि आप सिग्नलिंग को सेल साइकिल रेगुलेशन या सेल डिवीजन के साथ रिलेट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और सेल साइकिल को आप कैंसर या एपोप्टोसिस के साथ रिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मीन्स यहाँ से ये चेक किया जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होने चाहिए, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होती हैं सेल साइकिल रेगुलेशन में, सेल साइकिल सेल डिवीजन स्टार्ट कैसे होता है, सेल को सिग्नल कहाँ से मिलता है, और जब सिग्नल मिल जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में कौन कौन सी प्रोटीन किस तरह से सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सेल डिवीजन से कि सेल डिवीजन किसे कहते हैं। तो एक सेल से दो नए सेल्स की सिंथेसिस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक सेल है, इस सेल को हम पेरेंट सेल बोलते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड होकर यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट सेल से डिवीजन के बाद दो नए सेल सिंथेसाइज हुए, और ये जो न्यू सेल सिंथेसाइज होते हैं इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो पेरेंट सेल से न्यू सेल सिंथेसाइज हुई, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस होते हैं, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। G1 फेज यानी G मतलब यहाँ पर होता है गैप, S का मीनिंग यहाँ पर होता है सिंथेसिस, G2 में G अगेन गैप, एंड M की फुल फॉर्म होती है माइटोसिस। यानी ये डिफरेंट फेजेस से होते हुए सेल डिवाइड करती है। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कोई एक सेल है G1 फेज में, इनिशियली सेल G1 फेज में पाई जाती हैं, ये सेल G1 से S फेज में ट्रांसफ़र होती है, S से देन ये G2 में जाती है, और G2 के बाद M फेज में जाने के बाद ये सेल डिवाइड होती है और दो नए सेल्स को सिंथेसाइज करती है। तो यहाँ पर हर एक फेज में कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि G1 फेज में साइक्लिन डी एंड CDK 4/6। इन प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने होंगे कि G1 फेज में साइक्लिन डी एंड CDK 4/6 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब सेल G1 से S फेज में मूव करती है तो यहाँ ट्रांजिशन के टाइम पर साइक्लिन ई एंड CDK 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, S फेज में साइक्लिन ए एंड CDK 2, G2 फेज में साइक्लिन ए एंड CDK 1, एंड M फेज में साइक्लिन बी एंड CDK 1। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन प्रोटीन्स हैं और CDK प्रोटीन है, CDK काइनेजेस हैं और साइक्लिन प्रोटीन्स हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन एंड CDK अलग अलग फेज में रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से सेल साइकिल प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पर इस लाइन से मेरा क्या मीनिंग है, जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सेल G1 फेज में है और G1 फेज में जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वो साइक्लिन डी एंड CDK 4/6 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये साइक्लिन डी एंड CDK 4 प्रोटीन अगर है, 4/6 प्रोटीन अगर है, या ये एक्टिवेट हैं, तो ये सेल G1 से S फेज में मूव करेगी। और अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, साइक्लिन डी या CDK 6 नहीं एक्टिवेट है, कोई प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाई, तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा, सेल यहीं स्टॉप हो जाएगी, G1 फेज से सेल S फेज में मूव नहीं करेंगी। और इसी चीज़ को, इसी बात को चेक करने के लिए हर एक फेज़ के बाद चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर जो चेक पॉइंट होता है, G1 फेज़ के बाद एक चेक पॉइंट होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेक पॉइंट होता है, ये चेक करता है कि सभी इन्वायरमेंट फेवरेबल है, जो प्रोटीन यहाँ चाहिए S फेज़ में, जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं सेल डिवीजन के लिए, वो सारे प्रोटीन यहाँ पर हमें अवेलेबल हैं या नहीं है G1 फेज़ में। अगर कोई प्रोटीन अवेलेबल नहीं है G1 फेज़ में, यानी अभी यहाँ पर जो सेल है वो किसी प्रोटीन, उसके पास कुछ प्रोटीन्स नहीं है, सिंथेसाइज नहीं कर पाई, तो सेल यहीं स्टॉप हो जाएगी, सेल साइकिल प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो ये चेक पॉइंट ये सब चेक करता है कि सेल के पास जो जो प्रोटीन S फेज के लिए रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है। नहीं है तो वहीं सेल सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और सेल को अगेन सिग्नल मिलता है कि देन अगेन उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कीजिए और फर्दर मूव कीजिए। देन नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है G2 फेज के बाद। यहाँ पर ये जो चेक पॉइंट आता है, जब सेल माइटोसिस में एंटर कर रही होती है, इसमें चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ S फेज में होता है रेप्लिकेशन, सेल में जो DNA होता है वो S फेज में रेप्लिकेट करता है।
तो G2 के बाद जो चेक पॉइंट आता है उसमें चेक किया जाता है कि पूरा DNA रेप्लिकेट हुआ या नहीं हुआ, सभी इन्वायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है. अगर सब कुछ सही है तो सेल G2 से M फेज़ में मूव करती है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो सेल यहीं पर रोक दी जाती है G2 फेज़ में ही. एंड देन अगेन M फेज़ में एक चेक पॉइंट आता है. यहाँ पर इस चेक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इस चेक पॉइंट में ये चेक पॉइंट आता है मेटाफेज़ टू एनाफेज़ जो स्टेज होती है माइटोसिस में. माइटोसिस में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो जब सेल मेटाफेज टू एनाफेज मूव कर रही होती हैं तो वहाँ पर चेक पॉइंट आता है. वहाँ चेक किया जाता है कि सब कुछ प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रोटीन की कमी तो नहीं है. इनकेस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सेल्स वहीं स्टॉप कर दिए जाते हैं और सेल्स जो हैं आगे मूव नहीं होते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज से. अगेन ये पूरा ओवरव्यू हमने लिया. अब G1 फेज में अब सपोज यहाँ पर कोई सेल है, इस सेल को कहाँ से सिग्नल मिला कि सेल डिवीजन होना है, यानी सेल G1 से S में जाएगी, देन G2 में जाएगी, एंड माइटोसिस में आने के बाद ये सेल डिवाइड होगी. ये सिग्नल इस सेल को कहाँ से रिसीव होता है? तो जैसे सेल सिग्नलिंग पाथवेज आपने पढ़े होंगे, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं रैस मैप के पाथवे. रैस मैप के पाथवे में सेल ग्रोथ फैक्टर्स को एज अ लिगेंड मॉलिक्यूल रिसीव करती है. जैसे ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ये लिगेंड है, यानी ये सिग्नल लेकर आया है और ये सिग्नल आकर बाइंड करेगा ये सेल का मैम्ब्रेन है, सेल के मैम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ. ये रिसेप्टर हो जाता है, इस रिसेप्टर के साथ इस लिगेंड ने आकर बाइंड किया, रिसेप्टर फॉस्फोरिलेट हुआ, यानी ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने के बाद ये अपने डाउनस्ट्रीम रैस प्रोटीन को एक्टिवेट करता है. रैस प्रोटीन यहाँ एक्टिवेट हो जाती है तो ये अपने डाउनस्ट्रीम मैप काइनेज को एक्टिवेट करते हुए और फर्दर लास्ट में उस प्रोटीन को एक्टिवेट करती हैं जिसकी वजह से साइक्लिन डी सिंथेसाइज होता है. और साइक्लिन डी कहाँ रिस्पॉन्सिबल है? साइक्लिन डी रिस्पॉन्सिबल था हमारा G1 फेज के लिए. जैसे यहाँ इस इमेज में आपने देखा था साइक्लिन डी, साइक्लिन G1 फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये रैस मैप के पाथवे से साइक्लिन डी सिंथेसाइज हुआ, यानी जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, यहाँ से सेल ने जो ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो लिगेंड की तरह काम किए, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ग्रोथ फैक्टर्स. रिसेप्टर ने रिसीव किया ग्रोथ फैक्टर जो सिग्नल लेकर आया था, सेल ने उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसाइज की. तो ग्रोथ फैक्टर सिग्नल लेकर आया था साइक्लिन डी की सिंथेसिस के लिए, तो सेल ने साइक्लिन डी प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है GPCR पाथवे. ऐसे बहुत सारे पाथवेज होते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. GPCR पाथवे में यहाँ पर रिसेप्टर लिगेंड आकर रिसेप्टर से बाइंड करता है. रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जी अल्फा बीटा गामा ये प्रोटीन रिसेप्टर के डाउनस्ट्रीम होती हैं, ये एक्टिवेट होती हैं. एक्टिवेट होने के बाद ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं जिसकी वजह से साइक्लिक एम्पी सिंथेसाइज होता है. साइक्लिक एम्पी अपने डाउनस्ट्रीम प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है. प्रोटीन काइनेज ए अपने डाउनस्ट्रीम CREB प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और CREB एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अपने डाउनस्ट्रीम आप यहाँ देखेंगे साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई को एक्टिवेट करता है. तो यानी GPCR पाथवे से भी साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई एक्टिवेट हो रहे हैं. और साइक्लिन डी एंड साइक्लिन ई कहाँ एक्टिवेट चाहिए हमें? यहाँ पर चाहिए हमें G1 फेज में, ठीक है. तो ये पाथवे से साइक्लिन डी एंड CDK4 एक्टिवेट हुए. साइक्लिन डी एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है? अब जैसे यहाँ पर ये साइक्लिन एक्टिवेट होगी, अब ये हमने पाथवे डिस्कस किया रैस मैप के पाथवे, ठीक है. साइक्लिन डी सिंथेसाइज हुई, साइक्लिन डी ने सिंथेसाइज होने के बाद साइक्लिन ने एक्टिवेट किया CDK प्रोटीन को. CDK प्रोटीन का जो टी लूप, इसको हम टी लूप बोलते हैं, जो आप रेड कलर से देख सकते हैं, टी लूप को साइक्लिन एक्टिवेट करती है. साइक्लिन आकर बाइंड करती है CDK के साथ जिसकी वजह से इसके कन्फर्मेशन चेंज होते हैं और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है. लेकिन अभी ये पार्शियली एक्टिव होता है तो इस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को फर्दर एक्टिवेट करती है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज CAK प्रोटीन. CAK प्रोटीन अगेन इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोरिलेट करती है जिसकी वजह से CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है. अब यहाँ पर ये CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स कम्प्लीटली एक्टिवेट हो चुका है. अब आप इसको साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को इमेजिन कीजिए, यहाँ पर ये आ गया साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स और ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? यहाँ G1 फेज में. G1 फेज में इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करते हैं हम, तो ये सेल है, सेल ने रिसेप्टर सिग्नल ग्रोथ फैक्टर रिसीव किया, डाउनस्ट्रीम पूरा ये सब प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए जिसके वजह से यहाँ पर साइक्लिन डी सिंथेसाइज हुआ
और साइक्लिन डी और CDK4 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुआ, ये सब सेल में यहाँ चल रही है प्रोसेस। साइक्लिन डी एंड CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करते हैं, E2F को एक्टिवेट करते हैं। E2F इनिशियली नॉर्मल सेल में E2F को होल्ड करके रखती है RB प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, RB प्रोटीन E2F को पकड़ के रखती है। तो साइक्लिन डी एंड CDK4 प्रोटीन RB प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं RB प्रोटीन फॉस्फोरिलेट हो गई। RB प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन के वजह से E2F इस कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाती है, और E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम होता है, ये DNA में प्रमोटर सीक्वेंस से जाकर बाइंड करते हैं, और जो इनके स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उन जीन्स को ये ट्रांसक्राइब करते हैं। तो E2F DNA की प्रमोटर सीक्वेंस से जाकर बाइंड करता है और उन जीन्स को सिंथेसाइज करता है या उन प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करता है जो प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रेप्लिकेशन कहाँ होना है, S फेज में रेप्लिकेशन होना है। तो जो प्रोटीन्स रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए E2F इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अब आप मान लीजिए कि जब E2F S फेज में आने के बाद यहाँ पर अब ये E2F एक्टिवेट हुआ, इस फेज में यहाँ ट्रांजिशन पॉइंट पर E2F ने उन सभी प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जो S फेज में रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी। अब ये हमारा क्या हुआ, सेल साइकिल प्रोग्रेस हो गई, मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। G1 फेज से सेल्स S फेज में मूव कर गए, सेल ने सिग्नल रिसीव किया, ग्रोथ फैक्टर्स सिग्नलिंग एक्टिवेट हुई जिसकी वजह से साइक्लिन डी एक्टिवेट हुआ। साइक्लिन डी ने CDK को एक्टिवेट किया, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स ने E2F को फ्री कराया रेटिनोब्लास्टोमा RB प्रोटीन से। E2F ने फ्री होकर S फेज में जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं उन प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट किया। ये हो गया पूरा सेल साइकिल प्रोग्रेशन अगर नॉर्मली चल रहा है। इन केस DNA डैमेज है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक केस कि सेल साइकिल प्रोग्रेशन कब इनिबिट होता है और कैसे इनिबिट होता है। इन केस यहाँ पर DNA डैमेज है, एक्सरेज की वजह से DNA डैमेज हो गया। DNA डैमेज होने की वजह से जैसे ही DNA में ब्रेक हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो कुछ प्रोटीन्स कुछ काइनेजेस एक्टिवेट होते हैं सेल में, जैसे कि ATM या ATR काइनेज। ATM ATR काइनेज एक्टिवेट होकर अपने डाउनस्ट्रीम CHK1 या CHK2 काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। CHK1 या CHK2 काइनेज P53 प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करते हैं। P53 क्या होता है, एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होती है, ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करती है। अब अगर DNA डैमेज है तो DNA डैमेज होने की, यानी DNA डैमेज होने की वजह से ट्यूमर भी हो सकता है। तो DNA डैमेज होते ही वो सारी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गई जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगी कि सेल में कोई प्रॉब्लम हुई है, अब यहाँ पर हमें रिकवरी करनी है। तो DNA डैमेज होने के बाद ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन दैट इज P53 प्रोटीन एक्टिवेट होती है। नॉर्मल सेल में P53 प्रोटीन को MDM प्रोटीन, ये MDM2 एक प्रोटीन होती है, ये होल्ड करके रखती है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है P53 की अगर नॉर्मल सेल फंक्शनल है। और जैसे ही कुछ डैमेज हुआ DNA में या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो P53 ट्यूमर सप्रेसर है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ इसको ट्यूमर सप्रेस करना है वहाँ ये एक्टिवेट होती है। तो P53 नॉर्मल सेल में MDM2 के साथ बाइंड रहती है, लेकिन जैसे ही DNA डैमेज होता है P53 का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है जिस वजह से P53 रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये P53 रिलीज हो गई, फॉस्फोरिलेटेड P53 जो एक्टिवेट होती है। और P53 अगेन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती है, ये DNA की प्रोमोटर सीक्वेंस से आकर बाइंड करता है, और अपने डाउनस्ट्रीम जब प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड करते हैं तो कुछ जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो अपने डाउनस्ट्रीम में P21 जीन को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पर P21 मैसेंजर RNA सिंथेसाइज होता है, एंड देन इसी तरह से P21 प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और ये P21 प्रोटीन सिंथेसिस क्या करती है, जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स होता है इस साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के साथ जाकर ये बाइंड कर जाती है, यानी साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को ये इनिबिट कर देती है। और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स अगर इनिबिट हो गया तो सेल G1 फेज से S फेज में मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो
तो E2F सिंथेसाइज हुआ, E2F सिंथेसाइज हुआ, सेल्स G1 से S फेज में मूव कर गए. और अगर कोई प्रॉब्लम है, DNA डैमेज अगर यहाँ पे होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स ने एक्टिवेट होकर P21 को एक्टिवेट किया, और P21 ने CDK साइक्लिन को वहीं पर इनहिबिट कर दिया और सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रोक दिया. तो ये हमारा पाथवे हो जाता है. अगर इनहिबिशन होना है तो G1 फेज में ही हो जाएगा, और अगर प्रोग्रेशन होना है तो सेल G1 से S फेज में मूव कर जाती है. और S फेज में अगेन यहाँ पर होता है रेप्लिकेशन. G1 फेज में जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, या सभी जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होती हैं जैसे MCM हेलिकेज, ये सब लोड हो जाते हैं G1 फेज में, लेकिन एक्टिवेट नहीं होते हैं. एक्टिवेट सब होते हैं S फेज में आने के बाद, क्योंकि S फेज में ही रेप्लिकेशन होना है. तो जहाँ रेप्लिकेशन होना है वहीं पर आकर वो प्रोटीन एक्टिवेट होती हैं. तो S फेज में जितना भी क्रोमोसोम होता है, जितना भी DNA होता है, वो कंप्लीट पूरा DNA रेप्लिकेट करता है. तो आपने जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा है वो आप यहाँ पर इस फेज में इमेजिन कर सकते हैं. देन उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद सेल G2 फेज में मूव करती है, और इस मूवमेंट के लिए जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं साइक्लिन A एंड CDK2 S फेज में, एंड देन G2 फेज में साइक्लिन A एंड CDK1. देन उसके बाद सेल G2 फेज में आ गई. G2 फेज में आने के बाद सेल अगेन प्रिपरेटरी फेज में है. सब चेक करते हैं G2 फेज में कि सारे एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है. देन G2 फेज के बाद यहाँ इस चेक पॉइंट पर सेल की चेकिंग होती है कि सब पूरा DNA रेप्लिकेट हुआ S फेज में या नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो सेल यहीं रुक जाएगी, और अगर हो गया तो सेल M फेज में मूव कर जाती है. M फेज दैट इज माइटोसिस फेज. माइटोसिस में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो अब जो हमारी वो एक पेरेंट सेल थी, उसी पेरेंट सेल को अब आप यहाँ इमेजिन कीजिए. अब इसमें क्या हो चुका है, प्रोफेज में आने के बाद यानी सेल G2 से यहाँ M फेज में एंटर हुई है. यहाँ पर इस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है, देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस था, वो उसकी वो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी वो डिसोसिएट हो चुकी है. क्रोमोसोम एक तरह से यहाँ पर ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं. तो प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट होने लगती है और क्रोमोसोम हल्का लूजली फ्री हो जाते हैं. मेटाफेज स्टेज में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है, और जितने भी क्रोमोसोम थे वो सारे एक लाइन में इस तरह से अलाइन हो गए. और एनाफेज स्टेज में आप देखेंगे कि क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहे हैं और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं. और टीलोफेज में ये इस तरह से सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं और सेल डिविजन होता है. तो यहाँ हम आते हैं प्रोफेज के पास. प्रोफेज में अब आप देखेंगे कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ जूम कर लेते हैं तो इस तरह से अगर हम यहाँ इसको देखें, ये क्रोमोसोम है. तो क्रोमोसोम में दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एक प्रोटीन तो यहाँ पाई जाती है जो क्रोमोसोम को कंडेंस करके रखते हैं. इतना बड़ा क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस में. तो एक प्रोटीन तो यहाँ पर रहती है जो क्रोमोसोम को कंडेंस करके रखती है, और नाम से ही पता चल रहा है कंडेंस. तो वो कौन सी प्रोटीन होगी जो क्रोमोसोम को कंडेंस करके रखती है, वो प्रोटीन होती है कंडेंसिन. और उसके अलावा दूसरी प्रोटीन यहाँ पाई जाती है क्रोमोसोम के बीच में. ये जो दो आर्म्स है क्रोमोसोम की, इन दोनों आर्म्स को ऐसे पकड़ के रखने के लिए एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कोहेसिन. तो यहाँ पर आप ये देखिए, अगर इसको क्रोमोसोम आप लेकर चल रहे हैं, ये क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की आर्म्स के बीच में ये कोहेसिन प्रोटीन पाई जाती है, और यहाँ पर ये रेड कलर में शो की गई है, ये कंडेंसिन प्रोटीन होती है. कोहेसिन जो आर्म्स को टुगेदर जॉइन किए हुए है, और कंडेंसिन जो क्रोमोसोम को कंडेंस किए हुए है. तो यहाँ आप देखेंगे, अब आप देखिए एनाफेज स्टेज में क्या हुआ. ये हमने दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की बात की. एनाफेज स्टेज में देखिए क्रोमोसोम के बीच का जो प्रोटीन था वो टूट गया, वो डिग्रेड हो गया. तभी उसी वजह से, जैसे अगर क्रोमोसोम हमारे इस तरह से थे तो इनके बीच का यहाँ से ये प्रोटीन डिग्रेड हुआ, तभी ये क्रोमोसोम की दोनों आर्म सेपरेट हो गई, है ना, एनाफेज स्टेज में. तो यानी कौन सा प्रोटीन डिग्रेड हुआ, कौन सा प्रोटीन डिग्रेड हुआ, कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड हुआ यहाँ पर हमारा. ये जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स के बीच में पाया जाता है कोहेसिन प्रोटीन, ये डिग्रेड हुआ. किस प्रोटीन ने कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड किया, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है APC का, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. इनिशियली नॉर्मल सेल में APC इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है. एनाफेज प्रमोटिंग, नाम से पता चल रहा है जो एनाफेज की स्टेज को प्रमोट कर रहा है. तो इनिशियली ये इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है. एक प्रोटीन होती है CDC20 प्रोटीन.
ये CDC20 प्रोटीन APC कॉम्प्लेक्स के साथ आकर बाइंड करती है और APC कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देती है। अब APC कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, अब यहाँ अनदर दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम आते हैं, सिक्यूरिन एंड सैप्रेज। नाम से ही पता चल रहा है, सिक्यूरिन जो हमारे क्रोमोसोम्स को सिक्योर करके रखे हुए हैं और सैप्रेज जो हमारे क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सकती है। नाम से ही दोनों के फंक्शनल फंक्शंस क्लियर हो रहे हैं, सिक्यूरिन जो क्रोमोसोम को सिक्योर किए हुए हैं और सैप्रेज जो क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकती है। तो ये जो सैप्रेज प्रोटीन होती है, सैप्रेज प्रोटीन को सिक्यूरिन प्रोटीन होल्ड करके रखती है ताकि सैप्रेज प्रोटीन हमारे क्रोमोसोम को डिग्रेड ना कर सके, तो सिक्यूरिन इसको होल्ड करके रखती है। तो जैसे ही APC कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, APC कॉम्प्लेक्स तुरंत टारगेट करता है सिक्यूरिन प्रोटीन को। यहाँ पर ये सिक्यूरिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है APC की वजह से। APC क्या होते हैं, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेजेस होते हैं, यानी ये प्रोटीन को टैग करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो APC कॉम्प्लेक्स जो एक्टिवेट किया CDC20 प्रोटीन ने, ये टारगेट करता है सिक्यूरिन प्रोटीन को, जिसकी वजह से ये सिक्यूरिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाती है और सैप्रेज प्रोटीन रिलीज हो जाती है। और सैप्रेज प्रोटीन क्या करती है, जो हमारे क्रोमोसोम्स के बीच में जो कोहेसिन प्रोटीन्स थी, ये यहाँ पर ये जो कोहेसिन प्रोटीन है जो इसको बांधे हुए थी, उसको डिग्रेड कर देती है कोहेसिन प्रोटीन को, जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनाफेज स्टेज में यहाँ पर कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड हुई है, जिस वजह से दोनों क्रोमोसोम्स की आर्म्स सेपरेट हो गई है। और डिग्रेड किसने की है, APC ने, और APC को किसने एक्टिवेट किया, CDC20 ने, और सिक्यूरिन किसको होल्ड किए हुए थी, सैप्रेज को, और सिक्यूरिन को डिग्रेड किया APC ने। ठीक है, तो इस तरह से ये एक APC प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शनल शो करता है फंक्शनैलिटी। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं APC एंड CDC20 कॉम्प्लेक्स साथ ही साथ टारगेट करता है एम साइक्लिन को। एम साइक्लिन जो कि माइटोसिस फेज में जो साइक्लिन पाई जाती है उनको एम साइक्लिन बोल रहे हैं, और ये यहाँ पर APC एंड CDC20 ने टैग किया एम साइक्लिन को, और एम साइक्लिन प्रोटीन को भी ये डिग्रेड कर देता है APC कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से सेल एम फेज टू अगेन G1 फेज में मूव करती है, फर्दर मूव करती है, क्योंकि जो साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स हैं ये इनएक्टिव होने चाहिए, लो कॉन्सेंट्रेशन इनका होना चाहिए, तभी सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। और इसके अलावा अगेन एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं, MAD प्रोटीन, BUB, ये प्रोटीन CDC20 इनहिबिटर्स होते हैं। तो यानी अगर CDC20 एक्टिव नहीं है, CDC20 एक्टिव नहीं है तो APC एक्टिव नहीं हो पाएगा, APC एक्टिव नहीं हो पाएगा तो सिक्योरिन डिग्रेड नहीं हो पाएगा, और या फिर एम साइक्लिन डिग्रेड नहीं हो पाएगा। तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए APC का एक्टिवेट होना जरूरी है, और नॉर्मल स्टेज सेल में APC इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जो एम साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी एक्टिविटी में कुछ और प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब एम फेज में जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो रहा है, उसके बैकएंड पे क्या प्रोसेस चल रही है, कैसे वो एक्टिव हो रहा है CDK कॉम्प्लेक्स। तो अगेन नॉर्मली ये जो CDK होता है, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच रहता है, ये यहाँ पर इसका इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप है। इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप कौन अटैच करके रखता है, WEE1 प्रोटीन, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच करके रखती है। जब ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होना होता है, तो उस टाइम पर आती है एक प्रोटीन CAK प्रोटीन, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। CAK प्रोटीन आने के बाद एक एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड करती है, लेकिन इस एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड होने के बाद भी ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो देन अगेन एक दूसरा प्रोटीन CDC25, ये एक फॉस्फेटेज होता है, फॉस्फेटेज यानी नाम से पता चल रहा है, यानी ये फॉस्फेट ग्रुप को डिग्रेड कर सकता है। तो CDC25 प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और CDC25 जो इनहिबिटरी फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको डिग्रेड करती है, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिवेटरी फॉस्फेट ग्रुप बचा, और इस एक्टिवेटरी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से एक्टिव MCDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो पाता है। तो ये प्रोसेस रहा कि किस तरह से एम साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो पाए। आई होप यहाँ मैं आपको क्लियर रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कहीं कुछ मिसिंग लगता है, कॉन्सेप्ट आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो मैं अगेन आपको यहाँ रिकमेंड करूँगी कि आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, और आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। तो अगर इन केस कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।